सभी धर्मों के मूल में मानव जाति के कल्याण का संदेश है। इस प्रकार अंतरंग दृष्टि से देखा जाए तो किसी भी धर्म में आपस में कोई भेद नहीं है, परंतु इस धर्म के मानने वाले धर्म के अंतरंग मर्म को नहीं समझ पाते हैं और प्रायः आपस में धर्म के लेकर लड़ते झगड़ते रहते हैं, विवाद पैदा कर लेते हैं। 12/4/20 को रविवार के दिन ईसाइयों का एक बहुत बड़ा त्यौहार ईस्टर है। आइए इस ईस्टर के त्यौहार को केंद्र बिंदु में रखकर हिंदू धर्म और सनातन धर्म के नाम से भी जाना जाता है और ईसाई धर्म के संदेशों को एक घटनाक्रम के माध्यम से जोड़कर समझने का प्रयास करें। यह मेरा अपना चैनल फिलोसोफिया है, इसकी वीडियो आप देखें और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जैसा कि न्यू टेस्टामेंट या क्रिश्चियन बाइबिल में वर्णित है कि जिस समय ईसा मसीह का जन्म जेरूशलम में हुआ था, जेरूशलम रोमन साम्राज्य के अंतर्गत था और रोमन साम्राज्य के अंतर्गत यहूदी धर्म प्रचलन में था। ईसा मसीह जब बड़े हुए तो इन्होंने अपने विचारों से बहुत से लोगों को प्रभावित करना शुरू किया और उनके विचारों से जो यहूदी धर्म के पंडित थे उनको लगा कि उनके धर्म पे आँच आ रही है, उनके धर्म के विरुद्ध बातें ईसा मसीह द्वारा कही जा रही है। तब उन पंडितों ने ईसा मसीह पर झूठा इल्ज़ाम लगवाया और वहाँ के जो शासक थे उनसे इन पे मृत्युदंड का आदेश सुनवाया। बाइबिल के अनुसार ईसा मसीह को मृत्युदंड के परिणाम स्वरूप सूली पे लटकाया गया था। जिस दिन सूली पे लटकाया गया था उस दिन फ्राइडे का दिन था, इसलिए ईसाई धर्म के मानने वाले लोग फ्राइडे को गुड फ्राइडे के रूप में भी मनाते हैं। सूली पे लटकाने के बाद उनके लाश को वहीं बगल में दफन कर दिया गया। उसके 3 दिन बाद संडे को एक महिला जहाँ पर लाश दफन किया गया था वहाँ पर गई थी। जब वहाँ गई तो देखा कि लाश वहाँ से गायब है। तब इस बात को उसने कई लोगों को बताया और सभी लोग जिन लोगों को उसने बताया था ईसा मसीह को खोजने के लिए निकले। तब उन लोगों की मुलाकात ईसा मसीह से हुई थी। चूँकि संडे के दिन ईसा मसीह मरने के बाद पुनर्जीवित हो गए थे, इसलिए इस संडे को दिन को ईस्टर के रूप में सारे ईसाई धर्म के लोग मनाते हैं। ईस्टर के बारे में कहा जाता है कि यह ईस्टूर शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है सीजन ऑफ न्यू बर्थ या सीजन ऑफ ग्रोइंग सन। ईस्ट का भी ओरिजिन इसी शब्द से माना जाता है। मरने के बाद पुनः जीवित हो जाने की कई घटनाएं हिंदू धर्म ग्रंथों में पाई जाती है। आज मैं यहाँ पर जिस घटना का उल्लेख करने जा रहा हूँ वह दशरथ जी से संबंधित है। आप लोगों को पता होगा कि दशरथ जी की मृत्यु राम जी के वनगमन के बाद हो गई थी, लेकिन वाल्मीकि रामायण में यह भी जिक्र आता है कि जब राम रावण युद्ध समाप्त हुआ तब दशरथ जी पुनः राम से मिलने लंका में ही आए थे। कि रामायण के युद्धकांड में यह कहा गया है कि महादेव वचः श्रुत्वा राघव स लक्ष्मण विमान शिखरस्थस्य प्रणाम करोतः पितु। महादेव जी के कहने पर श्री राम और लक्ष्मण दशरथ जी से मिलने गए और उन्हें आदर सहित प्रणाम किया। यह भी उल्लेखनीय है कि जैसा कि ऊपर में वर्णित है ईस्टर को भी सीजन ऑफ ग्रोइंग सन उगता हुआ सूरज के रूप में मान्यता दी जाती है, उसी तरह दशरथ जी भी सूर्य वंश के ही राजा थे। तुलसीदास ने इसको और स्पष्ट करते हुए रामचरितमानस में यह लिखा है कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यहाँ पर भगवान राम की तुलना उद्याचल पर उगते हुए बाल सूर्य के रूप में की है। मरने के बाद पुनर्जीवित हो जाने की ऊपर की दोनों घटनाओं को शायद विज्ञान मान्यता ना दे, लेकिन मरने के बाद भले उसका शरीर नष्ट हो जाए, स्थूल शरीर समाप्त हो जाए, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने विचारों के साथ अपने सत्कर्मों के साथ जिंदा रह सकता है। सनातन धर्म के बारे में कहा जाता है कि करीब 5,000 साल पुराना है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, यह 5,000 साल से भी पुराना है, 19,000 मिलियन ईयर वर्ष पुराना है। तो सनातन धर्म जो पुराना धर्म है इस विश्व का, उसमें भी जो बात कही गई है वही बात नए धर्म जो 2,000 साल पुराना है क्रिश्चियन धर्म, उसमें भी वही बात कही गई है। दोनों धर्मों के मूल संदेश में साम्यता है कि आदमी मरने के बाद भी अपने विचारों के साथ अगर उसके सत्कर्म किए हैं तो उन सच्चे विचारों के साथ जिंदा रह सकता है। आप लोगों की जानकारी के लिए कुछ सूचना देते चलूँ कि
मैंने ऊपर वर्णित किया है कि न्यू टेस्टामेंट या क्रिश्चियन बाइबिल या क्रिश्चियन धर्म वाले मानते हैं, लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट या हिब्रू बाइबिल यहूदी धर्म वाले मानते हैं। और आज पूरे विश्व में क्रिश्चियन धर्म के मानने वालों की संख्या 31% है, इस्लाम धर्म की मानने वालों की संख्या 24% है और हिंदू धर्म को मानने वाले की संख्या 15% है। यह भी बताते चलूं कि बाइबिल को किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा था, जैसे रामायण के बारे में कहा जाता है, पुराण के बारे में कहा जाता है कि एक व्यक्ति ने लिखा जो शुरू से अंत तक लिखा, लेकिन दोनों बाइबिल ओल्ड टेस्टामेंट या न्यू टेस्टामेंट, हिब्रू बाइबिल या क्रिश्चियन बाइबिल, या कई लोगों के लेखनी का, कई लोगों के किताबों का, पत्रों का एक संकलन है। धन्यवाद।